फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ द वीडियो है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए आ चुका है, मैंने जैसा कि वादा किया था। देखिए, आज इस वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन के पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ बताऊंगा, और ये कट ऑफ पूरी एनालिसिस के बाद है, क्योंकि आप सभी की आंसर की आ चुकी है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग जाके आंसर की दे सकते हैं। आंसर की के बाद बहुत से लोगों का कमेंट भी बहुत लगा आया था कि कट ऑफ की वीडियो बनाइए, और साथ ही साथ बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के पहले और बाद दोनों का बनाइए। ठीक है, तो हमारी टीम ने सोचा कि चलिए अब उनके लिए वीडियो बनाते हैं रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ के। तो हमने सभी चैनलों का एनालिसिस किया, यानी कि जिन जिन्होंने ग्रुप डी की वीडियो बनाई थी उन सभी के कमेंट देखे। उन लोगों के कमेंट आए थे कि सर मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है। लोगों ने कमेंट किए थे कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब एनालिसिस पूरे माइनस मार्किंग के बाद पूरे इतने नंबर बन रहे हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है, और ये पूरा एक्सेप्टेड कट ऑफ है, मतलब यहाँ पे 100% भी हो सकता है अगर ये कट ऑफ। देखिए, ग्रुप डी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कल तो सर्वर एरर हो गया था, यानी सर्वर इतना हैंग हो गया था कि साइट नहीं चल रही थी आंसर की के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की साइट नहीं चल रही थी, लेकिन बाद में चलने लगी, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है इसमें कि लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन इसके लिए कट ऑफ भी जो है इसी वह इफेक्ट करेगी, इससे क्राउड के कारण है। देखिए, 1.9 करोड़ फॉर्म जो है इसमें भरे गए थे, 60% अटेंडेंस गई थी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैंने वीडियो बताया था कि 60% अटेंडेंस गई है, और पेपर का लेवल जो था वो काफ़ी हार्ड था, एसएससी लेवल का पेपर था, जो कि 10th बेस का लेवल नहीं था। लोगों ने 10th लेवल पे इसकी तैयारी की थी, परंतु पेपर इतना हार्ड आया कि एसएससी लेवल का आया, लोगों को पता ही नहीं चला। अब देखिए, आंसर की आ चुकी है, तो अब आप लोगों को नंबर ही पता चल गया कि आपके कितने नंबर हैं। तब आप लोगों को एक बार कमेंट भी जरूर कर देना कि आपके कितने नंबर हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की पहले की जो वीडियो है, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन के पहले जो कटअप होगी वो कितनी जा सकती है। तो देखिए, मैंने पूरा एनालिसिस किया है हर चैनल से, और ये काफ़ी अच्छी वीडियो भी आप लोगों के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए, बहुत से अलग अलग जोन्स की अलग अलग जाएगी, लेकिन जो सबसे सेफ जोन होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, जनरल की जो है 48 से 54 जाने वाली, ओबीसी की 45 से 48 के बीच में, फ्रेंड्स एससी की 38 और एसटी की 30 के लगभग रह जाएगी, क्योंकि लोगों ने कमेंट बहुत किए थे। मैंने जहाँ पे चैनल में देखे, लोगों ने कहा कि मेरे इतने बने हैं, लेकिन जो 80 के ऊपर है वो तो किसी के बने ही नहीं। मतलब जो 50 के अंडर थे वो बहुत ज़्यादा थे, 50 के अंडर में बहुत ही लोग थे, लेकिन जो 60 के ऊपर है वो कम से कम 10-20% ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे फ्रेंड्स। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर ना कि मेरे 90 सही है, मेरे 95 आ रहे हैं, वो लोग बहुत ही फेक है, क्योंकि वो लोगों को डीमोरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि इससे लोग डीमोरलाइज हो रहे हैं और फिजिकल की तैयारी ना करें, तो ये लोगों की शादी से, तो इसलिए आप लोग सिम में ध्यान नहीं दीजिए। देखिए, जो आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमारे नंबर जो है 8890611, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप देख लेना। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन के पहले जो कट ऑफ है वो इतनी रह जाएगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि नंबर बढ़ जाता है, यानी जिसकी शिफ्ट जो है ईजीआई है तो उसका नंबर कम हो जाता है, और लेकिन जिसकी शिफ्ट हार्ड है उसका नंबर बढ़ जाता है। जनरल की 60 जाएगी इस नॉर्मलाइजेशन के बाद, ओबीसी की 55 और एससी की 45 जा सकती है, एसटी की जो है 40 से 44 के बीच रह जाएगी। अगर आपके इससे कम नंबर बन रहे हैं तो आप निराश मत होइए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ये मेरा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, वो लोग आपको सिर्फ बहकावा कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग फिजिकल तैयारी ना करें और वो लोग फिजिकल तैयारी करें और उनका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, अब आप लोग को से एक हेल्प चाहिए कि आप लोग अपने कमेंट, मतलब आपके जितने नंबर बन रहे हैं ग्रुप डी में आंसर की के बाद, तो आप लोग अपने जो आंसर की के बाद जो नंबर बन रहे हैं उनकी कट, मतलब बताइए अपना नंबर कितना आया आपका। ठीक है, अपने आंसर की चेक तो जरूर कर लोगी, तो आप लोग अपना नंबर बताइए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं आपके लिए आपको बताऊँ, आपको अपडेट करता रहूँ नए नए वीडियोज़। अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, 8890600123, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसमें मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए ग्रुप डी की सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।